रोहतांग पास नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये देखो रोहतांग पास, चारों तरफ रोहतांग, और आप देखो एक और अमेजिंग पॉइंट। तो बताओ ये वाला पॉइंट कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। तो देखो ये व्यू देख के ये इतना खुश हुए हैं, तो आप घर बैठे कितना खुश होगे। तो जल्दी से बनाओ मनाली की ट्रिप, बहुत आलीशान है, आलीशान मजा। हर बार आना मनाली का बहुत हुर्रे हुर्रे। गाइस देखो मनाली ट्रिप में कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग, और देखो थैंक यू सो मच धीरू भाई को अंबानी बनाना है। अरे वाह। तो देखो गाइस आप व्यूज देखो, यहाँ का व्यू देखो बहुत ही अल्टीमेट व्यू है, और नीचे खाई है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस हम आ चुके हैं रोहतांग पास में, रोहतांग पास है 13,000 फुट पे, और यहाँ का व्यू देखो बहुत ही जबरदस्त व्यू आ जाएगा। रोहतांग पास 13,000 फुट पे आ गए हैं हम। तो गाइस हम आ चुके हैं रोहतांग पास, ये आप देख रहे हैं रोहतांग पास, और रोहतांग पास में बहुत ही जबरदस्त एक्टिविटी चल रही है, और ये 13,000 फुट पे हम आ चुके हैं रोहतांग पास में। ये 13,000 फुट की हाइट पे है रोहतांग पास। हम तीन भाई आए हैं रोहतांग पास, और रोहतांग पास का व्यू देखो बहुत ही अमेजिंग व्यू है, और हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया है। कितना एंजॉय किया है? बहुत एंजॉय किया है। तो हम दिखाते हैं आपको रिवर, ब्यास रिवर कहां से निकली है। उस पॉइंट पे जा रहे हैं जहां पे ब्यास जी ने तपस्या की थी, और रोहतांग पास से ब्यास रिवर निकली थी। तो चलते हैं हम, हर हर महादेव। तो गाइस मैं आ चुका हूँ ब्यास जी के दरवाजे पे, यहीं पे ब्यास जी ने की थी बहुत साल तपस्या, और यहीं से निकली थी ब्यास रिवर। तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्यास रिवर, मैं हूँ एडवेंचर धीरेंद्र, और आप देखो ब्यास रिवर निकलते हुए। तो देखो इसी कुंड से ब्यास रिवर निकली है, ये जो कुंड है इसी कुंड से ब्यास रिवर निकली है। तो गाइस आप देखो ब्यास रिवर यहीं से निकली है, और मनाली जाते जाते बहुत बड़ी रिवर का जन्म यहीं हुआ है, और यहाँ से निकली है ब्यास रिवर। गाइस आप देख रहे हैं रोहतांग पास, और हम रोहतांग पास से जा रहे हैं मनाली की तरफ। आप देखो रोहतांग पास का व्यू, और रोहतांग पास से बाई रोड हम जा रहे हैं मनाली की तरफ। तो रोहतांग पास में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही अमेजिंग है, और आपको दिखाएंगे रास्ते में क्या मस्त मौसम हो रहा है रोहतांग पास का। तो रोहतांग पास से मढ़ी का व्यू देखो, कितना अल्टीमेट व्यू है मढ़ी का, और नीचे आप देख रहे हैं मढ़ी, और मढ़ी के बाद वो पहाड़ी आप देख रहे हो रोहतांग पास से। अब हम जा रहे हैं मढ़ी की तरफ, रोहतांग पास से मनाली की तरफ जाते हुए जिगजैग पॉइंट, कितने अमेजिंग जिगजैग पॉइंट हैं। और मैं हूँ ये देखो रोहतांग पास, बहुत ही अमेजिंग व्यू रोहतांग पास का, बर्फ इस समय मनाली में आपको मिलेगी रोहतांग पास में। रोहतांग पास से मनाली की तरफ जाते हुए अमेजिंग व्यू है। एक और अमेजिंग पॉइंट आया है रोहतांग पास से मनाली की तरफ जाते हुए, आप देखो यहाँ पे लोग स्नो में एक्टिविटी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, ये देखो। कैसा लगा आपको ये वाला व्यू? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गाइस आप अगर रोहतांग पास आते हैं तो बहुत ही सेफ्टी से चलें, क्योंकि यहाँ सेफ्टी कहाँ ले जा सकती है आप समझ सकते हो। तो रोहतांग पास आएं,
तो रोहतांग पास का व्यू देखो और यहाँ पे ये देखो, कहीं भी कहीं भी लैंडस्लाइड हो जाती है तो बड़ा केयरफुल चलें और रोहतांग पास में आके रिस्क ना लें। अगर आपने रिस्क लिया तो समझ लो आप कहाँ जाके फिक्स हो गए। वो देखो, वो आप नीचे देख रहे हैं, वो है बिरगू लेक, नीचे है बिरगू लेक और वो है मरीगांव। कृष्णा जी कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ। कैसा लगा यहाँ का खाना? यहाँ पे रुके हुए हैं स्नोडन होटल, स्नोडन मनाली के अंदर, और हम लोगों ने इधर सभी खाना खाया है। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत सारी वैरायटीज थी और बिल्कुल घर की तरह था, बहुत मजा आया। थैंक यू जी। आप बताइए, आज तो आपका बर्थडे है, कुछ बताओ कैसा लगा आपको? आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दिन था, खाना भी बहुत ही आलीशान है। अच्छा, एक लास्ट में जो सरप्राइज मिलता है ना स्वीट डिश का, वो बहुत बढ़िया। हाँ, वो सबसे अच्छा है। चेंज जो होता है डेली, आपका मेन्यू चेंज होता है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। और खाना बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। रोटी तो बहुत ही अच्छी है, लकड़ी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और हमें यहाँ पे, हम यहाँ पे पहुँचे हैं प्राची टूर्स एंड एडवेंचर्स के थ्रू, और हमें बहुत अच्छी जगह मिली, सारी फैसिलिटीज, सब खाना वगैरह सब बहुत अच्छा है यहाँ का। तो थैंक यू प्राची टूर्स एंड एडवेंचर्स फॉर अरेंजिंग दिस अमेजिंग ट्रिप फॉर अस। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।